मंत्रों को जपने का एक सही समय होता है। कोई भी मंत्र किसी भी समय नहीं जपना चाहिए। हर मंत्र जपने का अपना एक निर्धारित समय होता है। क्या होता है वो समय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, क्या वो समय होता है? ये बात तो सही है कि हर चीज का समय होता है और शास्त्रों में उसका विवेक है कि कब क्या करना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन अगर सूर्योदय से शुरू करेंगे तभी सूर्यास्त तक जप कर सकते हैं, वरना अगर आप केवल दोपहर में जप करना चाहें तो ये उचित नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर जप आप शुरू करते हैं तो आप सायंकाल तक अनवरत गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, इसका फल आपको मिलेगा। शनि मंत्र दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले जप करना चाहिए। शनि के मंत्रों का जप लगभग 4 बजे शाम के आसपास अगर किया जाए तो बहुत फलदायी होता है। राहु केतु का मंत्र दोपहर के समय जप करना चाहिए और देवियों का मंत्र जितना भी है ये सूर्यास्त के बाद अत्यधिक फल देता है। कात्यायनी मंत्र ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमः, कुंवारी लड़कियां जिसका जप करती हैं, कात्यायनी मंत्र सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जपना चाहिए। बगलामुखी और प्रत्यंगिरा मंत्र सूर्यास्त के बाद मध्यरात्रि में इस मंत्र का जप करना चाहिए। और शिव मंत्र पूरे दिन में कभी भी जप सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र ब्रह्मवेला में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 बजे से सूर्योदय तक जप कर लेना चाहिए। ये ऐसे मंत्र हैं कि अगर इन समयों में जप किए जाएंगे तो ये निश्चित रूप से कल्पवृक्ष के समान फलदायी हो जाएंगे और जापक की मनोकामना पूरी होगी। जापक के जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। Thank you.